Hello, all welcome to the Sound of Education YouTube channel. So, in this today's session, uh, we are going to start our second unit that is feature extraction and feature selection. So, basically, feature extra extraction and feature selection, these are the two techniques of dimensionality reduction. So, before going to start the details about the feature extraction and selection, so we must have to know the basic concept of dimensionality reduction. What is the need of dimensionality reduction? what is dimensionality reduction what are the advantages and disadvantages of dimensionality reduction then what is the meaning of data set that we have to understand first because uh, in our previous few lectures we already know about the machine learning what are the different types of machine learning we can say the approaches to the ml last uh, video like supervised machine learning uh, unsupervised machine learning and reinforcement learning. So, we know that the machine learning is a data driven process or data driven technology. So, we have to prepare a machine learning model by using a past experience or past data set, right? So, here we have to understand what is the meaning of data set first. So, uh, let's start this session on feature extraction and selection. So, here, so the dimensional reduction, first we'll discuss about the डायमेंशनलिटी वॉट इज द मीनिंग ऑफ डायमेंशनैलिटी सो एज यू कैन सी हियर द नंबर ऑफ इनपुट फीचर्स वेरिएबल और कॉलम्स प्रेजेंट इन गिवन डेटा से डायमेंशनलिटी नाउ हि सी दिस इज द डेटा सेट एंड दिस डेटा सेट इज हैविंग अ प्राइज ऑफ होम्स एज यू कैन सी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि डेटा सेट है इसमें आपको जो होम प्राइज है वो आपको देखने को मिलेगी जैसे ये देखिए वन बी एच के है वन बेडरूम टू विंडोज सिक्स एटी स्क्वायर फुट फर्स्ट फ्लोर पे है इसका प्राइस है टू लैक्स और ये जो लोकेशन है ये मिल रहा है आपको नासिक में ठीक है एंड नियर बाय ट्रीज मतलब ये जो फ्लैट है उसके जो नियर बाय ट्रीज है वो है टू ठीक है सो दिस इज द डेटा सेट एंड फ्रॉम दिस डेफिनेशन द नंबर ऑफ इनपुट फीचर्स वेरिएबल और कॉलम प्रेजेंट इन अ डेटा सेट इज नोन एज अ डायमेंशनलिटी

CSV फाइल file. CSV फाइल्स मीन्स कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, CSV. अभी जैसे आप अगर कोई आईटी इंडस्ट्री में जॉब करते हो तो वहां पे मे बी आपको डेटासेट अलग अलग टाइप से देखने को मिलेंगे आप जहाँ से डेटा फेच करोगे उस फॉर्म में आपको डेटा मिलेगा ठीक है सो कॉमनली नाउ हियर फॉर दिस मशीन लर्निंग वी कैन से फ्रॉम फॉर दिस मशीन लर्निंग कोर्स वी हाउव टू यूज द CSV एस वी फाइल राइट csv means comma separated values so basically the dataset is in the csv format both are like file as json file as csv so these are the different uh, types of files which are uh, available for the dataset right right so the dimensionality reduction technique can be defined as it is the way of converting the higher dimension dataset into the lesser, lesser dimension data set, ensuring that it provides the similar information शनलिटी रिडक्शन मीन इट इज द वे ऑफ कन्वर्टिंग द हायर डायमेंशन डेटा सेट इन टू द लेसर डायमेंशन डेटा सेट इंश्योरिंग प्रोवाइडर इंफॉर्मेशन मतलब अगर डेटा सेट में हमारे पास नंबर ऑफ डायमेंशंस अवेलेबल है तो वो जो नंबर ऑफ हायर डायमेंशन जो भी अवेलेबल है उसमें से कुछ डायमेंशंस कम कर देना सी

इसमें एक और क्वेश्चन आपको मन में आता होगा कि भाई ये जो डायमेंशन अवेलेबल है ये डायमेंशन कम क्यों करना है अगर आप डायमेंशन कम करते हो तो आपको कंप्यूटेशन टाइम जो है वो कम लगता है सो दैट्स वाई हैव टू रिड्यूस द डायमेंशन बट हियर वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड वेन एवर यू आर गोइंग टू रिड्यूस द डायमेंशन मेक श्योर कि जो आप डायमेंशन रिड्यूस कर रहे हो उस, उससे आपका जो डेटा सेट का इंफॉर्मेशन है वो लॉस नहीं होना चाहिए उसका लॉस नहीं होना चाहिए मतलब आपको कोई भी ऐसा डायमेंशन वहाँ पे आपको मिनिमाइज या फिर रिड्यूस नहीं करना चाहिए कि जो आपका इन्फॉर्मेशन आपको वहां से वो निकल जाए इन्फॉर्मेशन या फिर आप इंफॉर्मेशन लूज कर दो ठीक है वो हम बाद में समझेंगे कि एग्जैक्टली exactly आपको किस तरीके से ये डायमेंशनलिटी रिडक्शन जो है वो टेक्निक जो है वो यूज करना है नाउ दिस डायमेंशनलिटी रिडक्शन टेक्निक इज कॉमनली यूज इन स्पीच रिकोगनाइजेशन टेक्निक सिग्नल प्रोसेसिंग टेक्निक Bioinformatics systems, data visualization, noise reduction, and cluster analysis. So, this dimensionality reduction technique is used in this uh, particular uh, systems, we can say, speech recognition, signal processing, and all other systems are there. So, now here, now we know about the dimensionality, we know about the data set, we know about the dimensionality reduction now here we have to understand the what are the advantages of dimensionality reduction and what are the disadvantages of dimensionality reduction and what are the different techniques by using we can reduce the dimension right so move towards next point that is that is the issue with the higher dimensional data so what are the different issues we are facing if the data is having a हायर डायमेंशन अगर हमारे पास कोई डेटा अवेलेबल है उस डेटा के बेस पर हमें अगर कोई मशीन लर्निंग मॉड्यूल अगर हमें डेवलप करना है मॉडल अगर हमें डेवलप करना है तो अगर हायर डेटा अवेलेबल है तो उसके रिलेटेड हम क्या प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं वेन वी आर गोइंग टू बिल्ड अवर मशीन लर्निंग मॉडल सो फर्स्ट इशू इज रनिंग हाई रिस्क ऑफ ओवर फिटिंग द मशीन लर्निंग मॉडल मतलब अगर नंबर ऑफ फीचर्स हमारे पास ज्यादा हो गए तो आपका जो मशीन लर्निंग मॉडल है वो ओवर फिटिंग हो सकता है ओवर फिटेड मॉडल आप बना सकते हो या फिर वो ओवर फिटेड हो सकता है नाउ हियर अगेन टू टर्म्स आर देयर न्यू टर्म्स आर देयर दैट यू हैंडर फिटिंग सो ये जो ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग कॉन्सेप्ट है वो आगे आने, आगे आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे सो so हियर इफ द डेटा सेट है डायमेंशन रनिंग रिस्क ऑफ ओवर फिटिंग द मशीन लर्निंग मॉडल आपका जो मशीन लर्निंग मॉडल है वो ओवर फिटेड हो सकता है ठीक है नाउ हियर अगेन द सेकेंड रिस्क इफ यू आर यूजिंग द हाई डायमेंशनल डेटा सो डिफिकल्टी इन क्लस्टरिंग सिमिलर फीचर नाउ क्लस्टर मीन वो एक क्लस्टर में उसको डिवाइड करके देगा जैसे एक ए ग्रुप होगा और ये एक बी ग्रुप होगा तो ऐसे दो क्लस्टर बना के देगा सो दिस इज कॉल्ड एज अ क्लस्टरिंग बट इफ द इफ द डेटा सेट इज हैविंग अ हायर डायमेंशन सो इट इज इट इज डिफिकल्ट टू प्रिपेयर अ ग्रुप जैसे उसको जो मशीन लर्निंग मॉडल है उसे आपको जो क्लस्टर्स uh, बनाने में डिफिकल्टी आ सकती है ठीक है अगर फीचर्स ज्यादा है तो सिमिलर टाइप के फीचर्स ज्यादा है तो उसे वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा और वो उसे क्लासीफ या फिर क्लस्टर में उसको वो बना नहीं सक बना नहीं पाएगा ठीक है सो दिस इंपॉर्टेंट इशून डेटा डेटा डायमें थर्ड वन इज इनक्रीज द स्पेस एंड कॉम्पिटेशनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नाउ हियर इफ द डेटा सेट इज हैविंग हायर डायमेंशन आपको जो स्टोर डेटा से स्टोर करने में भी स्पेस ज्यादा लगेगा और उसे कॉम्पिटेशनल जो टाइम होगा जो प्रोसेसिंग टाइम हम जिसे कहते हैं वो भी उसे ज्यादा लगने वाला है ये आप आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो जैसे हमें एक इमेज कहीं से कॉपी करना है दूसरी जगह पे तो उसको लगने वाला टाइम और सेम इमेज अगर हमें थाउजेंड टाइम थाउजेंड सेम इमेज रहेगी अगर वो हमें कॉपी करना है तो उसके लिए लगने वाला टाइम ऑब्वियसली जो एक इमेज कॉपी करने के लिए हमें जो लगने वाला टाइम है वो थाउजेंड इमेज कॉपी करने वाले टाइम से कम रहेगा So, if the dimensions are, are, are less, we required less space and also computational time is less. So, these are the issue we, uh, we, have, we are facing when the data set is having a higher dimension. So, that's why to, to uh, minimize all these issue, we have to use the dimensionality reduction technique. Now, here the two main uh, technologies or technique we can use for the dimensionality reduction first one is a feature extraction and second one is a feature selection this is the name of unit that is feature extraction and feature selection basically these two technologies comes under the dimensionality reduction these are the two techniques of dimensionality reduction we can say so here now benefits of dimensionality reduction these are the

प्रोसेस देखा था कि हाउ द मशीन लर्निंग मॉडल वी कैन बिल्ड सो इफ वी हैव टू बिल्ड एनी मशीन मशीन लर्निंग मॉडल वी हैव टू ट्रेन ट्रेन डेट मॉडल फर्स्ट वॉट एवर डेटा वी हैव बेस्ड ऑन दिस पास डेटा वी हैव टू ट्रेन मॉडल दिस मॉडल फर्स्ट आफ्टर दैट वी हैव टू वी आर गोइंग टू टेस्ट दिस पर्टिकुलर मॉडल राइट बाय बाय प्रोवाइडिंग द न्यू फीचर टू द टू द मशीन लर्निंग मॉडल और अल्गोरिदम राइट सो बूस्ट इन अ ट्रेनिंग स्पीड इफ दर लेस वी कैन इंक्रीज दीड राइट एंड इम्प्रूवमेंट इन अ मॉडल एक्यूरेसी अगर ट्रेनिंग स्पीड कम होगा डायमेंशन अगर कम हो गए तो आपका मॉडल का एक्यूरेसी भी ज्यादा आ सकता है एक्यूरेसी भी उसका आप इम्प्रूव कर सकते हो बट ये डिपेंड करता है कि आप ये जो टेक्निक्स है वो किस तरीके से यूज करते हैं ठीक है वो हम आने वाले जो भी पॉइंट्स है उसमें डिस्कस करेंगे कि आपको ये किस तरह से यूज़ करना है नाउ अगेन द रिडक्शन इन अ रिस्क ऑफ ओवर फिटिंग जैसे हमने ये यहाँ पे देखा था कि ये इशू होता है इफ द डेटा सेट इज हैविंग अ हायर डायमेंशन तो अगर हम डायमेंशनल रिडक्शन यूज करते हैं तो उससे हम ओवर फिटिंग की जो कंडीशन है वो हम रिड्यूस कर सकते हैं ठीक है देन नेक्स्ट वन इज अ रेज इन द मॉडल एक्सप्लेनबिलिटी मॉडल आपका ईजी होता है और वो एक्सप्लेन करने में आपको ईजी जाएगा या फिर आप उसे इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हो ठीक है देन द बेटर डेटा विजुअलाइजेशन आप जो डेटा सेट आपके पास अवेलेबल है उसको आप बेटर वे में विजुअलाइज कर सकते हो इफ डायमेंशन आर लेस राइट सो दीज आर देनिफिट्स और वी कैन से दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशनल रिडक्शन राइट now as we know here the two techniques are used for the dimensional reduction that is feature extraction and feature selection so in case of feature extraction we are using the quadratic discriminant analysis and principal component analysis kernel pca and linear discriminant analysis so these are the techniques of or we can say that these are the methods of feature extraction and in case of feature selection, feature selection having again three methods, filtered method, wrappers method and embedded method. so ये जो सारी methods हैं ये हम one by one देखेंगे अगर सिलेबस आप देखोगे तो सिलेबस में हमें ये दो जो टेक्निक्स है वो हमें समझना है जैसे इन केस ऑफ फीचर extraction, हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल component एनालिसिस और इसमें एक और जो टेक्निक है वो हम देखेंगे statistical फीचर्स जैसे फीचर एक्सट्रैक्शन में प्रिंसिपल कॉम्पोन एनालिसिस और स्टैटिस्टिकल फीचर्स ठीक है तो ये ये दो हम मेथड जो है फीचर एक्सट्रैक्शन की वो हम डिस्कस करेंगे उसके बाद इन केस ऑफ फीचर सिलेक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं ये तीनों मेथड फिल्टर्ड मेथड व्रेपर्स मेथड और एम्बीडेड मेथड राइट सो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ डायमेंशनलिटी रिडक्शन नाउ हियर अगेन मूव मोटर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट दैट इज सो हियर Now we know about the two techniques of dimensional reduction that is feature selection and feature extraction. So here is the basic difference between the two technologies that is feature extraction and feature selection. So here is basic ki what is feature extraction and what is feature selection. So here again in this feature selection technique in द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग दफसेट ऑफ अ रिलेवेंट फीचर एंड लिविंग आउट द इवेंट फीचर प्रेजेंट इन दैको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा फीचर सिलेक्शन का मतलब क्या होता है अगर मान लो हमारे पास ये जो सारे फीचर्स अवेलेबल है मतलब इतनी सारी डायमेंशनलिटी हमारे पास अवेलेबल है ये सारे फीचर्स है जैसे वन टू थ्री फोर जितने भी सारे है ये सारे फीचर्स है तो फीचर सिलेक्शन टेक्निक में हम क्या करते हैं कि इसमें से जो इिलेवेंट फीचर्स है वो हम डायरेक्टली इलिमिनेट कर देते हैं मतलब उन्हें डायरेक्टली हम निकाल देते हैं डिलीट कर देते हैं और जो रिलेवेंट फीचर्स है वो हम हम उन्हीं फीचर्स को कंसिडर करके जो मशीन लर्निंग मॉडल है वो बिल्ड करते जाते हैं ठीक है तो इसे हम कहते हैं फीचर सिलेक्शन टेक्निक ये मैं आपको एक बेसिक तौर पर बता रहा हूँ इसके डिटेल में हम जब नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे तब हम इसके डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये कैसे वर्क करता है बट द बेसिकली अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करोगे तो इसमें आपको ये समझ में आएगा कि द सबसेट ऑफ रिलेवेंट फीचर एंड लिविंग आउट द इ रिलेवेंट फीचर प्रेजेंटेट डेटा डेटा सेट मतलब जो रिलेवेंट फीचर है बस वो रखो जो इिलेवेंट फीचर्स है वो आप निकाल दो तो. बट अभी ये हम डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन से फीचर रिलेवेंट है और कौन से फीचर इलेवेंट है तो उसके लिए वो जो सारी तीनों मेथड्स हमने देखी वो हमें वन बाय वन समझना पड़ेगा जो कि हम आगे आने वाले लेक्चर है उसमें हम वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे ठीक है इन अदर वर्ड्स इट इज द वे ऑफ सिलेक्टिंग द ऑप्टिमल फीचर फ्रॉम द डेटा सेट इनपुट डेटा सेट इन जो भी सारे फीचर्स में से हम ऑप्टिमल फीचर्स आइडेंटिफाई करेंगे और वो हम आगे लेके जाएंगे मशीन लर्निंग मॉडल बिल्डिंग के लिए ठीक है सो दिस इज अबाउट द फीचर सिलेक्शन सो वेर एज इन केस ऑफ फीचर एक्सट्रैक्शन टेक्निक हम क्या करेंगे इन टू द स्पेस विथ फ्यूअर डायमेंशन अभी फीचर एक्सट्रैक्शन का एग्जैक्ट मतलब क्या हुआ कि हम जो डेटा सेट हमारे पास अवेलेबल है उसमें जो भी जितने भी सारे फीचर्स है उसे हम कंबाइन करके यूज करेंगे अभी कंबाइन क्यों करना है क्योंकि फीचर सिलेक्शन टेक्निक में हम जो डेटा सेट है जिसमें से वो फीचर दिए है वो हम डायरेक्टली एलिमिनेट कर देते हैं बट अगर हम इस तरीके के कुछ फीचर्स एलिमिनेट करते हैं तो यहाँ पे चांस है कि हम जो डेटा सेट में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो हम लूज़ कर सकते हैं इंफॉर्मेशन हम खो सकते हैं अगर हमारे पास कंप्लीट इनपुट इंफॉर्मेशन नहीं होगा तो हमारा मशीन लर्निंग मॉडल का एक्यूरेसी है वो करेक्ट नहीं होगा तो फीचर एक्सट्रैक्शन में क्या होगा कि ये जो सारे फीचर्स है इसको हम कंबाइन कर देंगे और कंबाइन करके कुछ और एक नया फीचर्स बनाएंगे बट इसमें क्या होगा इसमें ये इसका इन सारे फीचर्स का कॉम्बिनेशन होगा तो इनमें जो जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन ये फीचर्स कैरी करेंगे मतलब इसमें डेटा लॉस होने के चांसेस नहीं रहते तो फीचर एक्सट्रैक्शन की टेक्निक है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस एंड स्टैटिस्टिकल फीचर्स अभी अगर हम स्टैटिस्टिकल फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो स्टैटिस्टिकल की कुछ टर्म्स है, है जैसे मीन मेडियन मोड स्टैंडर्ड कर्टोसिस वेरियंट दीज आर द डिफरेंट टर्म्स यूज इन अटैटिस्टिक राइट सो ये जो सारी टर्म्स हम यूज करके ये इस तरीके के जो फीचर एक्स्ट्रेक्शन टेक्निक है ये हम यूज कर सकते हैं और एक मेथड है फीचर सिलेक् एक्स्ट्रेक्शन में जो है प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट एनालिसिस सो जो ये दोनों मेथड जो है फीचर एक्स्ट्रैक्शन की वो आने वाले वीडियोज में हम कवर करेंगे सेपरेटली और जो फीचर सिलेक्शन की जो टेक्निक्स हैं वो भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे ठीक है

एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है राइट राइट द डिफरेंस बिटवीन द फीचर सिलेक्शन एंड फीचर एक्सट्रैक्शन सो दैट्स वाई द नेक्स्ट वीडियो इज इम्पॉर्टेंट सो दिस इज ऑल अबाउट द टू डेज सेशन सो अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल, मिलती रहे बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए अब तक के लिए थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में